हेलो एवरीवन, साइंस क्लब में आप सबका स्वागत है। आज अपन लोग फाउंडेशन का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में जो अपन लोग फाउंडेशन में देखा था, वहां पे देखा था चार्ज किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी मेटल नॉन मेटल या किसी भी चीज पे अपन लोग किस तरह से चार्ज निकाल पाते हैं, राइट। आज अपन लोग उस लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे कि कैटायन और एनायन के मदद से अपन लोग किस तरह से किसी भी कंपाउंड को जनरेट कर पाते हैं, राइट। और कुछ मिनरल एसिड का रिएक्शन भी देखेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ टू जनरेट द केमिकल कंपाउंड, जनरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। और आपको ही पता है ये कंपाउंड टर्म जो हमने यहां पे यूज किया है, कंपाउंड मतलब क्या होता है, मोर देन टू एलिमेंट अगर कॉम्बाइंड होता है, एक दूसरे को होल्ड करता है, तो उसको अपन लोग कंपाउंड बोलते हैं, राइट। तो चलिए, इसमें क्या होगा, अपने को एनायन और कैटायन के बारे में पता होना चाहिए। एनायन किसको बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, कैटायन किसको बोलते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं एनायन और कैटायन का, ताकि अपन लोग को ईजी हो जाएगा और बहुत ईजिली तरीके से अपन लोग कंपाउंड को जनरेट कर पाएंगे। चलिए कुछ एनायन स्पेसिस का, जैसे पहले कैटायन देख लेते हैं। कैटायन स्पेसिस मतलब क्या हुआ आपका, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, मतलब क्या है आपका, जितने भी मेटल हैं सब पे मोस्टली क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा, चाहे एक हो या दो हो। जैसे सोडियम, सोडियम पे प्लस वन हो गया, पोटेशियम पे प्लस वन हो गया, लिथियम पे प्लस वन हो गया, कैल्शियम पे प्लस टू हो गया, मैग्नीशियम पे प्लस टू हो गया, कॉपर पे प्लस वन हो गया, कॉपर पे प्लस टू हो गया, जिंक पे प्लस टू हो गया, राइट। फिर आपका क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री हो गया, राइट। जैसे कुछ कंपाउंड ले लो, NH4 प्लस हो गए, राइट, ETC, ऐसे बहुत सारे हैं, राइट, जिसपे प्लस चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैटायन। कुछ एनायन का एग्जांपल कर लेते हैं अपन लोग, जैसे एनायन का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा अपना, जितने भी नॉन मेटल है, यहाँ एनायन मतलब क्या है, निगेटिव चार्ज, राइट, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या है आपको, एनायन कुछ नॉन मेटल है, जैसे नॉन मेटल जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस हो गया, ब्रोमीन माइनस हो गया, राइट। फिर आपका क्या हो गया, ओ माइनस टू हो गया, ये चीजें, जैसे नाइट्रोजन हो गया, माइनस थ्री हो गया। कुछ कंपाउंड के बारे में देखते हैं, जैसे क्या होगा आपका, ये जैसे आपका HSO4 माइनस हो गया, राइट, PO4 माइनस थ्री हो गया, फिर अपन लोग जैसे CO3 माइनस टू हो गया, राइट, NO3 माइनस हो गया, NO2 माइनस हो गया, राइट। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, जिससे, चलिए इतना ही रहने देते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एनायन स्पेसिस है, राइट, जिसको केमिकल के कंपाउंड के फॉर्मेशन में काम में लाया जाता है। तो चलिए अब अपन लोग देखते हैं, ये कुछ कैटायन है, कुछ एनायन है, तो अपन लोग जनरेट कैसे करेंगे, चीजों को समझिए। आप क्या करना है आपको, सपोज कीजिए यहाँ पे एक्स है और प्लस कोई वाई है, राइट, दोनों मिलके आपका एक्स वाई बनाता है, राइट। तो एक्स पे क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज है और वाई पे माइनस चार्ज है, चीजों को समझिएगा। आपको क्या करना है कि ये जो चार्ज है यहाँ पे, राइट, ये जो चार्ज है इसको क्या करना है, इसके बेस पे लाके बिठा देना है, राइट, और इसका जो यहाँ पे प्लस चार्ज है इसको यहां से लाके इसके बेस पे बिठा देना है, तो आपका ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर अपन लोग देखना चाहें तो कैसे होगा, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे सोडियम है, Na प्लस है, राइट, उधर आपका क्लोरीन लिखा है हमने, Cl माइनस है। तो हमने क्या बोला है, ये यहाँ पे क्या है, इस पे प्लस वन है और इस पे माइनस वन है, ये माइनस वन है और ये प्लस वन है, राइट। तो आपको मैंने क्या बोला है, इसका चार्ज इसके बेस पे, इसका चार्ज इसके बेस पे, तो क्या आ जाएगा आपका, Na1 और Cl1। आप 1-1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, राइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, NaCl। अगर मान लीजिए यही चीज अपन लिखते हैं, Na प्लस है और यहाँ पे जो है अपन, यहाँ क्या प्लस वन है, अब क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे माइनस टू चार्ज है, राइट। तो अब आप जो लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैंने क्या बोला, इसका चार्ज इसके बेस पे, इसका चार्ज इसके बेस पे, तो आप क्या लिख सकते हो, Na यहाँ पे माइनस टू है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू, राइट, और यहाँ पे क्या है, प्लस वन है, तो ओ पे क्या लिखोगे, वन। आप इसको वन को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा आपका,
Na2O, राइट Na2O। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अपने पास क्या है, सोडियम है और वापस किस रिएक्ट कर रहा है आपका नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन पे क्या है -3 चार्ज है, फिर चार्ज एक्सचेंज करेंगे तो फिर क्या होगा आपका Na, ये 3 कहां चला जाएगा इसके बेस पे, तो ये हो गया आपका 3 हो गया, राइट 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है आपका +1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N पे 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा आपका Na3N, राइट। अभी अपन लोग नेमिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, नेमिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वरना लेक्चर लंबी हो जाएगी, तो इस तरह से कंपाउंड को अपन लोग जनरेट कर पाते हैं। तो चलिए अब फटाफट कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, 2-4-5 एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि चीजें और आसान हो जाए। बस आपको चार्ज का ही एक्सचेंज करना है, राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास क्या है पोटाशियम एल्यूमिनियम कैल्शियम, राइट। अगर मान लीजिए अपन लोग NO3 माइनस से रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे क्या है आपका NO3 माइनस से रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पे भी NO3 माइनस से रिएक्ट करवाते हैं, राइट। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे टोटल, अभी देखिए इसको टोटल कंसीडर करना है, अपने को टोटल कंसीडर करना है, ये जो आपका यहाँ पे क्या है +1 है, यहाँ पे क्या है +3 है, और यहाँ पे क्या आपका +2 है, बस चार्ज को एक्सचेंज करना है, चार्ज को एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे क्या 1-1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख देंगे KNO3, राइट। यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे +3 है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे Al, यहाँ 1 है -1 है, तो -1 को लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या है आपका Al, अब क्या है NO3। अब चीजों को समझिए, यहाँ पे क्या है 3, तो ये सारे को कवरअप करेगा 3 चार्ज से, तो क्या हो जाएगा AlNO3 का होल थ्राइस, राइट AlNO3 का होल थ्राइस। यहाँ पे देखिए +2 है, यहाँ पे -1 है, राइट, तो अपन लोग क्या करेंगे कैल्शियम, और यहाँ पे फिर क्या है NO3 है, तो अपन लोग लिखेंगे NO3, राइट NO3, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं +2 चार्ज है, तो इसके बेस पे क्या चला जाएगा 2, तो इस तरह से क्या होगा केमिकल कंपाउंड का जनरेशन होगा, कितना भी कर लो इस तरह से करके करते जाओ। और कर लेते हैं 2-4, जैसे अपने पास लिथियम है +, राइट, फिर जैसे अपने पास क्या है मैग्नीशियम है +2, राइट, एल्युमिनियम है +3, अब जैसे इधर क्या है CO-2, कार्बोनेट आयन जैसे CO3-2, फिर यहाँ पे भी है CO3-2, यहाँ पे क्या है CO3-2। अब अगर आप फॉर्मेशन करते हो तो देखो यहाँ पे क्या है +1 चार्ज, यहाँ पे -2 चार्ज, तो आप क्या करोगे इसका -2 इसके बेस पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका Li2, राइट, और CO3 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 चार्ज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि +1 है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो मैग्नेशियम पे भी +2 है, और यहाँ पे क्या है कार्बोनेट पे भी +2 है, तो यहाँ पे दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या आ जाएगा आपका MgCO3, राइट MgCO3। अब यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम पे प्लस चार्ज है 3 है, और यहाँ पे -2 है, तो ये चार्ज ऑल्टरनेट हो जाएगा कहाँ बेस पे, तो क्या आ जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एल्युमिनियम पे +3 था तो बेस पे चला गया क्या 3, और इस पे -2 था तो इसके बेस पे क्या चला गया 2। अभी अपन लोग सिर्फ कंपाउंड जनरेट करना सीख रहे हैं, बैलेंसिंग, राइट। तो चलिए इस तरह से अपन लोग बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, और जिसको भी ये चार्ज निकालने में दिक्कत हो रहा है या स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है किसी को दिक्कत हो रहा है, तो वो जाके मेरा वहां पे देख सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, राइट, वहां पे मैंने चार्ज निकालना बता रखा है। दूसरी बात, और अगर किसी को ये सब डायग्राम में भी प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर के लुईस डॉट स्ट्रक्चर का वो लेक्चर देख लें, राइट। चलिए अब ये हो जाता है, तो नेक्स्ट देखते हैं कुछ मिनरल एसिड से अपन लोग कैसे कंपाउंड जनरेट कर पाते हैं, जिसको आप इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हो। और मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, मेनली अपन लोग 3 ही कंसीडर करते हैं जिसको आप इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हो। मोस्ट पॉपुलर है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हो। दूसरा नाइट्रिक एसिड, जिसको आप हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोलते हो। तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हो। तो इसको अलग अलग कंडीशन में देखा जाता है, जैसे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट वेरी वेरी डाइल्यूट मॉडरेट, जिसका जो फीचर होता है, राइट।
लेकिन लेकिन किसी भी केमिकल को रिएक्शन करवाने के पहले अपन लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, मेटल में चेक करते हैं, मेटल को अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन करवाना है तो सबसे पहले पानी में देखते हैं, राइट। तो वाटर के साथ देख लीजिए, सबसे पहले मेटल, पहला रिएक्शन क्या है, मेटल प्लस वाटर, तो ये जो बनेगा आपका ये कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, एम ओ एच, और इधर आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो चीजों को समझिए, ये क्या हो गया आपका मेटल, ये क्या हो गया वाटर, दोनों मिलके क्या बनाएगा यहाँ पे, मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, राइट। बगल से आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, जैसे अपने पास है सोडियम, फिर क्या है आपका, चीजों को समझिए, ये वाटर जो ब्रेक होता है किसमें होता है, एच प्लस और ओ एच माइनस, तो अपने को कौन रिएक्ट करेगा, ओ एच माइनस। चलिए चीजों को देखिए, यहाँ पे प्लस वन, मैग्नीशियम पे प्लस टू, एल्युमिनियम पे प्लस थ्री। अब यहाँ पे अपन ले लिए वाटर वाटर वाटर, तो मैंने क्या बोला है आपको, क्या मिलेगा वाटर से, ओ एच माइनस, ओ एच माइनस, तो अपने क्या, सोडियम पे प्लस वन चार्ज है और ओ एच पे क्या है, माइनस वन चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, एन ए ओ एच। तो यहाँ पे क्या है, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्साइड है, तो क्या नाम हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। फिर अपना हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रहा है, इधर देखते हैं मैग्नीशियम है, यहाँ पे वाटर है, तो ओ एच पे माइनस वन चार्ज है और मैग्नीशियम पे प्लस टू है, तो क्या आ जाएगा आपका, एम जी ओ एच, एम जी ओ एच का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या आ जाएगा, ए एल, वाटर पे क्या होता है, ओ एच माइनस रहता है, तो ओ एच का होल थ्राइस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस थ्री चार्ज है, फिर आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया वाटर के साथ रिएक्शन। अब कुछ हम पढ़ लो एसिड के साथ भी करके देखते हैं, राइट। चलिए देखते हैं एसिड के साथ, अभी अपन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि किसके साथ रिएक्ट करेगा किसके साथ नहीं करेगा, राइट। आपको बस अभी रिएक्शन जनरेट करने के लिए सीखना है, अपन लोग बाद में देखेंगे किसकी रिएक्टिविटी कम है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, सारे सवाल का जवाब मिलेगा आपको, राइट। बैलेंसिंग करके देखेंगे, नेमिंग करके देखेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में हर चीज नहीं मिल सकता है, तो स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। आज क्या है आपका, मिनरल एसिड, जिसको आप इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हो, क्या बोलते हो, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड तो बहुत होता है, बट अपन सिर्फ मिनरल एसिड का बात करेंगे। और मिनरल एसिड क्या होता है आपका, मेनली तीन तरह से देखा जाता है, राइट, जो कि मोस्ट पॉपुलर है आपका, क्या क्या है, आप उसको बोलते हो, क्या बोलते हो आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरिक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। इसके दो कंडीशन ऑब्जर्व होंगे आपके पास, क्या होगा, एक तो होगा डाइल्यूट, डाइल्यूट, राइट, डाइल्यूट होगा, और दूसरा क्या होगा आपका, कॉन्क, जिसको आप कॉन्सेंट्रेट बोलते हो, राइट, जिसको आप कॉन्सेंट्रेट बोलते हो, इसको शॉर्ट में आप कॉन्क भी बोलते हो, राइट। अब दूसरा क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसका क्या होता है, इसका भी दो कंडीशन ऑब्जर्व होगा, एक होगा आपका डाइल्यूट, जिसको शॉर्ट में डायल भी बोलते हैं, राइट, और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट, राइट, जिसको शॉर्ट में अपन लोग कॉन्क भी बोलते हैं, राइट। तो चीजों को हमेशा समझिएगा, यहां पे क्या है, डाइल्यूट हो गया, कॉन्क हो गया, राइट। अब तीसरा कंडीशन है, जिसको आप नाइट्रिक एसिड बोलते हो, क्या बोलते हो, नाइट्रिक एसिड, और इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन नाइट्रेट। बार बार हाइड्रोजन क्यों आ रहा है, क्योंकि सब में एसिड है तो सब में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, राइट। अब इसके चार कंडीशन ऑब्जर्व होंगे, देखिए कौन कौन से चार्ज कंडीशन ऑब्जर्व होते हैं। पहला तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, दूसरा आ जाएगा आपका डाइल्यूट, तीसरा आ जाएगा मॉडरेट, मॉडरेट मतलब होता है बीच वाला, ना तो ज्यादा पतला, ना तो जिसकी कंसंट्रेशन ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो, राइट, उसको बोलते हैं मॉडरेट। एक हो गया आपका वेरी वेरी डाइल्यूट, जो कि बहुत ही ज्यादा पतला हो जाएगा, मतलब उसमें कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम से मतलब क्या है,
पानी में अगर मान लो अपन लोग एसिड मिलाते हैं, क्योंकि हर एसिड में पहले से ही पानी रहता है, राइट, वो 100% कॉन्क नहीं रहता है, कोई भी 100% कंसंट्रेटेड कोई नहीं रहता, राइट, वो सब जो है एक्चुअली आपका लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जो यूज होता है वहां पे क्या होता है आपका मुश्किल से जो है ना 32-36% कंसंट्रेशन का ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं, राइट, उससे ज्यादा उनका नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डाइल्यूट मतलब क्या, पानी का मात्रा ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है इसमें पानी का मात्रा कम हो, एक लास्ट हो जाएगा वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट। तो इसके चार कंडीशन होंगे, अपन लोग सबके बारे में वन बाय वन करके देखते हैं। चलिए सबसे पहला अपना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अपन हाइड्रोजन नाइट्रेट से ही बोलते हैं ताकि नेमिंग करने में अच्छा होगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट, राइट, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। अब चीजों को समझिए, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होगा, इसके दो कंडीशन ऑब्जर्व होंगे, पहला मैंने क्या बोला आपको डाइल्यूट, मैंने पहला क्या बोला आपको डाइल्यूट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे DIL, राइट। अब क्या होता है अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है M+HCl, ये रिएक्ट करेगा तो आपको देगा MCl, राइट, प्लस देगा आपको हाइड्रोजन गैस, नोमेनक्लेचर भी करते जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहां पे M मतलब अपने को क्या लिखा है मेटल, ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये लिख ही रखा है मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये होगा आपका मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, और ये होगा आपका हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ऊपर एरो जब भी दिखे आपको इसका मतलब ये है कि ये गैस है, राइट, और अगर मान लीजिए डाउनवर्ड एरो दिखे किसी के नीचे तो आप ये समझ लीजिए कि ये सॉलिड है, सॉलिड है, और जो लिक्विड है भाई उसके लिए कोई एरो नहीं दिखाते, राइट। चलिए अब देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह, तो हमने क्या ले लिया सोडियम, फिर क्या आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, फिर क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, अब रिएक्ट करवाएंगे HCl से, राइट, आपको पता ही है इस सब पे चार्ज कितना है, और आपको पता ही है जब भी अपन लोग HCl का बात कर रहे हैं HCl का, तो अपने को अच्छे से पता है इस पे +1 इसको -1, तो सारे मेटल पे प्लस चार्ज होते हैं, अपने को सब पता है कि मेटल पे प्लस चार्ज रहता है, तो इधर से अपने को किससे मतलब है सिर्फ माइनस चार्ज वाले पे, उस पर -1 होता है, तो सोडियम पे +1 होता है, राइट, इस पे मैग्नीशियम पे +2 और एल्युमिनियम पे +3, बस चार्ज एक्सचेंज कीजिए और फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा सोडियम, राइट, मेटल का नाम लिख दिया सोडियम, नीचे हो जाएगा क्लोराइड, तो क्या जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो क्या हो गया NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, राइट, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। इसी तरह क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस क्या होगा हाइड्रोजन गैस, फिर क्या एल्युमिनियम, तो क्या होगा आपका एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, राइट। तो इसी तरह से अपन लोग रिएक्शन जनरेट कर पाएंगे किसके हाइड्रोजन क्लोराइड के मदद से, कौन सा कंडीशन हमने लिया ये आपका डाइल्यूट, दूसरा कंडीशन जो है दूसरा कंडीशन जो है कॉन्सेंट्रेट जिसको आप शॉर्ट में कॉन्क भी बोलते हो। अब चीजों को समझिए, ये डाइल्यूट है, जो रिएक्शन डाइल्यूट से नहीं होगा वो रिएक्शन अपना कॉन्सेंट्रेशन से हो जाएगा, मतलब कॉन्क से हो जाएगा। वहां पे क्या होता है चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए, अभी क्या है एक ग्लास है उसमें पानी है और चीनी है, सपोज कीजिए शुगर का कंसंट्रेशन कम है वहां पे, मतलब मीठा कम लग रहा है, राइट, किसी व्यक्ति को कम मीठा पसंद है किसी व्यक्ति को ज्यादा पसंद है, तो राइट जिसका कम मीठा से काम चल जा रहा है तो उसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे, जिसको ज्यादा मीठा चाहिए तो उसमें शुगर ऐड करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो डाइल्यूट से रिएक्ट हो जाएगा रिएक्शन जनरेट हो जाएगा, राइट, जो डाइल्यूट से रिएक्शन चला जाएगा तो उसमें क्या करेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन बढ़ा देंगे, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये ज्यादा जितना सारा प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट देगा, कॉन्क वाला भी सारा प्रोडक्ट देगा सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट, क्या होगा सेम एस क्या रहेगा ये डाइल्यूट वाले के कंडीशन से,
जो आपका डाइल्यूट रहेगा वही आपका कोंग वाला भी प्रोडक्ट देगा। लेकिन कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और उसके साथ हो जाते हैं। जो रिएक्ट नहीं करेगा उसकी बात ही अलग है, और जो रिएक्ट करेगी तो सारा सेम ही प्रोडक्ट देगा कॉन्सेंट्रेशन में भी, राइट। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, चेंज होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो चलिए अब अपन लोग वहां देखते हैं। तो यहाँ पे कोंग बताने का कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंडीशन में क्या होता है, जो आपका डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा वो आपका कॉन्सेंट्रेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, बट कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो वहां पे क्या होता है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के वो रिएक्ट कर जाता है। लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा, मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ही देगा अगर वो रिएक्ट करता है तो, नहीं करता है तो फिर बात ही खत्म है। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है अपना सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को अपन लोग क्या बोलते हैं, H2SO4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इसमें भी दो कंडीशन ऑब्जर्व होगा, पहला क्या होगा आपका भैया डाइल्यूट, राइट, डाइल्यूट, इसी को अपन लोग शॉर्ट में DIL भी बोलते हैं। चलिए अब क्या है, यहां पे क्या होगा, फिर से मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्या आपका H2SO4, फिर आपका क्या देगा मेटल सल्फेट, राइट, फिर आपको क्या देगा हाइड्रोजन गैस। अब चीजों को समझिए, ये देगा हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या हो गया आपका M stands for metal, ये क्या होगा आप इसको लिखो हाइड्रोजन सल्फेट, नेमिंग करने में अच्छा होगा हाइड्रोजन सल्फेट। यहां पे क्या हो जाएगा आपका मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट, राइट, और यहां पे तो आपका हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, राइट। अब समझिए, एग्जांपल लेते हैं, अपने पास क्या क्या है, पोटेशियम हो गया, राइट, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, H2SO4, यहां पे भी H2SO4, यहां पे भी H2SO4, राइट। अब देखिए सारे के प्रोडक्ट सेम होंगे, यहां पे पोटेशियम है, यहां पे सल्फेट है। अब ये जो सल्फेट जो H2SO4 है, जो ये जो डिसोसिएट होगा किसमें होगा, 2H+ और प्लस क्या होगा SO4-2। तो अपने को इससे मतलब है SO4-2 से, इससे किससे, सल्फेट से, सल्फेट आयन से अपने को मतलब है, राइट, सल्फेट आयन से मतलब है। तो अपने को ये मतलब है, उस पे क्या होगा -2 चार्ज ऑब्जर्व होगा। यहाँ पे क्या आपको पता ही है, सोडियम पे क्या आपका +1, कैल्शियम पे +2, एल्युमिनियम पे +3। जिसको दिक्कत हो रहा है पीछे लेक्चर जाकर के देखें, ये आपका फाउंडेशन क्लास का, वहां चार्ज कैसे निकाला जाता है मैंने बता रखा है। अब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 चार्ज H2SO4 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो SO4-2, तो यहाँ पे क्या होगा चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या होगा आपका K2SO4, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट, मेटल है तो मेटल सल्फेट बोलते थे, यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम सल्फेट। अब यहाँ पे क्या है +2 चार्ज, इस पे क्या आएगा आपका -2 चार्ज, तो क्या आ जाएगा आपका CaSO4, क्योंकि दोनों में यहाँ +2 है वहां पे -2 चार्ज है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे एल्युमिनियम +3 है, यहाँ पे H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट Al2, क्योंकि सल्फेट का 2 चार्ज है तो -2 था, तो यहाँ पे 2 लिखा, और SO4 का होल थ्राइस, तो ये हो गया आपका इस तरह से। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, वो आपका कॉन्सेंट्रेट वाला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट वाला। अब यहाँ पे क्या है आपका, जो रिएक्शन डाइल्यूट के साथ नहीं होगा वो किसके साथ होगा, कॉन्सेंट्रेट के साथ होगा, कॉन्सेंट्रेट के साथ होगा। तो क्या होगा आपका, आपका कॉन्सेंट्रेट, इसको कोंग बोलते हैं, राइट, ये हो गया आपका, ये सारा चीज सेम रहेगा। यहां पे क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन गैस के जहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के जहां पे, आप चीजों को समझिए, हाइड्रोजन गैस के जहां पे आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होगा SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, और प्लस इधर जो निकलेगा आपका H2O मतलब वाटर। देखिए यहां पे HCl में क्या था आपका, कोंग हो या डाइल्यूट हो दोनों का प्रोडक्ट सेम बन रहा था, अगर रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, नहीं करेगा तो बात ही अलग है। लेकिन यहां पे क्या है, डाइल्यूट में आपका क्या था मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, बट कोंग में क्या है आपका मेटल सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। चलिए देखते हैं, सेम एग्जांपल रिपीट करते हैं, सेम आपका सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, राइट, H2SO4,
इसी तरह सेम कर लो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, यहाँ पे सोडियम पे प्लस वन चार्ज, मैग्नीशियम पे प्लस टू, एल्युमिनियम पे प्लस थ्री, और अपने को क्या बोले हैं सोडियम से क्या होगा सल्फेट आयन आएगा, सल्फेट आयन आएगा, सल्फेट आयन आएगा, राइट। तो सल्फेट आयन पे चार्ज कितना है माइनस टू, तो चार्ज सिर्फ एक्सचेंज करना है, यहाँ पे प्लस टू, वहां पे सल्फेट आयन पे माइनस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उससे SO4 बाहर आ रहा है, जिससे तो उसके पीछे क्या लिखेंगे MgSO4, राइट। बस अपने को SO4 देखना है, SO4 यहाँ पे क्या एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री चार्ज है, तो चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या होगा Al2SO4 का होल थ्राइस, राइट, ये चार्ज हो जाएगा। बाकी सब में क्या होगा Agt आ जाएगा SO2 प्लस वाटर, बाकी सब में सेम ही होगा, बाकी सब में सेम ही होगा, राइट। बस यहाँ पे क्या था SO2 था और वहां पे आपका H2 था, चलिए हो गया। चलिए अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में, नाइट्रिक एसिड एक लास्ट बचा है उसको देख लेते हैं, फिर अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर लेक्चर लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही करेंगे अपन लोग, धीरे धीरे सीखेंगे बिल्कुल आराम आराम से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग को समझ में नहीं आता है तो इसको बार बार देखो, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अपन लोग बैलेंसिंग भी देखेंगे, बैलेंसिंग भी अलग अलग तरीके से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को, आराम आराम से चीजों को सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे पूरा, छोड़ेंगे किसी को नहीं, राइट, छोड़ना किसी को नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है और बिल्कुल बारीकी से सीखना है। चलिए अब देखते हैं नाइट्रिक एसिड, तीसरा जो आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, और नाइट्रिक एसिड से अपने को क्या मिलेगा H प्लस और NO3 माइनस, तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है, किससे नाइट्रेट आयन से, नाइट्रेट आयन से, तो अपने को सिर्फ इससे मतलब है नाइट्रेट आयन से, राइट। तो चलिए देखते हैं, पहला कंडीशन लेते हैं कॉन्क कॉन्सेंट्रेट, राइट, कॉन्सेंट्रेट, और इस कॉन्सेंट्रेट लिया पहला कंडीशन, राइट, इसको क्या करेंगे मेटल प्लस एच एन ओ थ्री, ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा आपका क्या एम एन ओ थ्री, ये तो पता ही है एम एन ओ थ्री होगा, एम कहां से आया मेटल से और एन ओ थ्री कहां आया ये यहां से, राइट, प्लस क्या होगा आपका एन ओ टू, प्लस क्या होगा आपका वाटर, तो इसको बोलेंगे मेटल और यहां से क्या है नाइट्रेट, तो लिख देंगे मेटल नाइट्रेट, राइट, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। अभी मैं आपको केमिकल नेम ही बताऊंगा, राइट, अभी मैं आपसे बात करने लगूं परऑक्साइड, लाफिंग गैस, ठीक है, तो ये सब अच्छा बात नहीं होगा, राइट, वंस आप जब सीख जाओगे तब मैं जो इन सब का नाम का इस्तेमाल करूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ केमिकल नाम को याद करने का कोशिश करूं, क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड से पता चल जाता है, तो यहाँ पे क्या नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है दो ऑक्सीजन है, तो अपन लोग क्या बोल देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो वाटर ही है भाई, वाटर लिखो या आप इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल दो, राइट। चलिए अब क्या देखते हैं, ये हो गया, अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे क्या है अपने पास, फिर से सेम रिपीट करेंगे, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या आपका एच एन ओ थ्री, ये सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या है आपका कॉन्सेंट्रेट, सब में कॉन्क हो जाएगा कॉन्क, अब ये रिएक्ट क्या करेगा मेटल नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या है सोडियम Na, सबको पता है सोडियम पे प्लस वन चार्ज, मैग्नीशियम पे प्लस टू, एल्युमिनियम पे प्लस थ्री, अब चार्ज एक्सचेंज करना है नाइट्रेट पे तो माइनस वन ही है, तो क्या हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, राइट। यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे एल्युमिनियम है तो क्या हो जाएगा AlNO3 का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट एल्युमिनियम नाइट्रेट सॉरी मैग्नीशियम नाइट्रेट और ये हो गया एल्युमिनियम नाइट्रेट, बाकी इधर तो प्रोडक्ट सेम ही आएगा सब में, क्या आएगा आपका NO2 और वाटर, सब में सेम ही आएगा, राइट। चलिए हो गया, चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन जो है अपना वो है डाइल्यूट, क्या है वो डाइल्यूट, डाइल्यूट नेक्स्ट कंडीशन है अपना डाइल्यूट,
नेक्स्ट कंडीशन है अपना डाइल्यूट। डाइल्यूट के कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जगह पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाएगा राइट। और सारा चीज सेम ही होगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम राइट। मैं एक ही एग्जाम्पल बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग के माइंड में माइंड सेट हो जाए राइट। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो राइट, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। HNO3 ये तो सेम ही हो जाएगा, कंडीशन बस डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, सारा चीज सेम ही आएगा। यहाँ पे सोडियम है तो क्या आ जाएगा आपका NaNO3, तो क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट। फिर क्या मैग्नीशियम है तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो ये क्या आ जाएगा हॉल ट्वाइस। फिर क्या आ जाएगा आपका एल्युमिनियम नाइट्रेट NO3 का हॉल ट्वाइस। बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NO प्लस वाटर, तो सारे की कंडीशन में यही हो जाएंगे राइट। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मॉडरेट। मॉडरेट मतलब, मॉडरेट मतलब क्या होता है, ना तो उसमें ज्यादा पानी हो ना तो ज्यादा उसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो राइट, ना तो ज्यादा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो। ये चीज अपन लोग देखते हैं, यहां पे कंडीशन होगा मॉडरेट। मॉडरेट मॉडरेट मतलब होता है बीच वाला, मॉडरेट राइट, इसको MOD से भी लिखते हैं। अब यहां पे क्या होगा आपका N2 होगा। आप क्या देख रहे हो, ये और ये वाटर और मेटल नाइट्रेट सेम रह रहा है, बस बीच वाला प्रोडक्ट बदल रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका N2। हम लोग अभी इसको ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई लाफिंग गैस बोलेंगे, ये बोलोगे नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो अपन लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले आपको केमिकल नेम करना करने के लिए आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन 2 है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखो आप इसको, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं, सेम सोडियम अब कैल्शियम या फिर एल्युमिनियम राइट। अब फिर से सेम HNO3, यहाँ पे भी HNO3, यहाँ पे भी HNO3, बस कंडीशन क्या होगा आपका मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या होगा आपका सोडियम नाइट्रेट, सेम चीज। फिर क्या है आपका कैल्शियम, वहां पे -1 चार्ज है तो क्या आ जाएगा आपका CaNO3 का -2। फिर क्या आ जाएगा आपका AlNO3 का -2, सॉरी एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है तो ये हो जाएगा +3। बार बार नाइट्रेट आ रहा है NO3 कहां से आ रहा है, नाइट्रिक एसिड से। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका N2O और इधर क्या आ जाएगा वाटर, तो सब में क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा राइट। अब एक लास्ट कंडीशन है जो है वेरी वेरी डाइल्यूट, चलिए उसको देखते हैं। लास्ट कंडीशन है जो है आपका वेरी वेरी डाइल्यूट, यहां पे भी सारा चीज सेम ही रहेगा राइट, बस इसका भाई साहब हीरो प्रोडक्ट बदल जाएगा। इस बीच वाले को बोलते हैं हीरो प्रोडक्ट, ये इसी से अपन लोग डिसाइड कर पाएंगे कौन आपका मॉडरेट है डाइल्यूट है क्या है। या तो मॉडरेट कंडीशन दे और प्रोडक्ट दे पता चल जाएगा, या नहीं तो ये हीरो प्रोडक्ट रहेगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड की यूज हुआ है यहाँ पे, क्या पता चल जाएगा कौन सा एसिड का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वो मॉडरेट कंडीशन में था डाइल्यूट कंडीशन में था या कॉन्सेंट्रेशन कंडीशन में था राइट। चलिए लास्ट कंडीशन देखते हैं क्या है अपना, लास्ट कंडीशन क्या है आपका वेरी वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, इसको VV डाइल्यूट राइट। चलिए इस कंडीशन में देखते हैं अब क्या हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एमोनियम नाइट्रेट बनेगा प्रोडक्ट NH4NO3, इसको बोलते हैं एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट राइट, एमोनियम नाइट्रेट। एग्जांपल लेते हैं, एक ही एग्जांपल लेके बोर हो गए होंगे, चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं जैसे लिथियम राइट। फिर चलिए दूसरा एग्जांपल से कॉपर ले लें, CuZn और Cr, ये अपन ले लिए किसका एग्जांपल आपका ट्रांजिशन मेटल का। अब यहाँ पे HNO3 राइट। अब देखिए ये कॉपर और HNO3 रिएक्ट करेगा तब का क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट, इससे क्या नाइट्रोजन लेना है, सॉरी
नाइट्रेट आयन लेना है तो क्या होगा, CuNO3, यहाँ पे प्लस वन चार्ज है, अभी कॉपर प्लस वन के चार्ज में है राइट, यहाँ पे क्या है क्यूपरस है नॉट क्यूपरिक, ये भी बताएंगे कब अस होगा कब इक होगा राइट, कब रस होगा कब रिक होगा, सब अपन लोग देखेंगे एकदम आराम आराम से। ये प्लस टू ये प्लस थ्री कंडीशन मैंने लिया राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जिंक नाइट्रेट ऑल टू ट्वाइस हो गया, यहाँ पे क्रोमियम है तो क्रोमियम नाइट्रेट। मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी अपने को ये नहीं देखना है कौन रिएक्ट कर रहा है किससे करेगा नहीं करेगा, अरे रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड यही बनेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3, फिर क्या बनेगा वाटर, बाकी सारे कंडीशन में सेम ही हो जाएंगे सेम ही हो जाएंगे। तो ये था तो कुछ एसिड मतलब कुछ एनायन कुछ कैटायन कुछ मिनरल एसिड का रिएक्शन राइट, इससे प्रोस्पेक्टिव अपन लोग कंपाउंड जनरेट करना सीखें। वापस लेक्चर जब अपन शुरू करेंगे तो उसमें ये भी अपन देखेंगे यहाँ पे डाइल्यूट में ही NH4 NO3 क्यों हुआ, ये कॉन्सेंट्रेशन के केस में क्यों नहीं हुआ, या आपका मॉडरेट के कंडीशन में N2O क्यों बना, वो डाइल्यूट में क्यों नहीं बना N2O, और डाइल्यूट में NO प्रोडक्ट क्यों बना। तो सबका एक रूट कॉज होता है, क्यों बन रहा है क्यों नहीं बनेगा किस लिए बनेगा, तो यहाँ हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको, व्हाट व्हेन व्हाई सबका जवाब मिलेगा आपको, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे आप चीजों को सीख पाओगे। जिसको डर लगता है कोई बात नहीं, आप रेगुलर क्लास अटेंड करो आपका हर डर भाग जाएगा राइट। मैं बता रहा हूं आपको 90% इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपका फाउंडेशन क्लास से निकल के आता है, वो भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अभी जितना भी मैं फाउंडेशन क्लास चला रहा हूं ये जितने भी कंपाउंड जनरेट कर पाया हूं कहां से, सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन क्लास से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हर चीज पता लगता है भाई, हर चीज। आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो GOC पढ़ लो कुछ भी पढ़ लो, सारा ज्ञान आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मिलेगा, एक प्रॉपर रीजन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही ले पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, पढ़ते रहो समझते रहो। Goodbye, have a nice day.